हजार बार होती है, यानी इसकी चार्जिंग साइकिल है वो आपको 2000 से 3000 बार आपको देखने को मिलती है, जो कि काफी सही है। 8 से 9 साल तक आप इलेक्ट्रिक बाइक को आप चला सकते हैं काफी। 187 किलोमीटर का आपको आईडीसी रेंज प्रोवाइड कराता है गाइस, 187 किलोमीटर काफी है। पहले इन्होंने 200 किलोमीटर आईडीसी रेंज बताई थी, पहले एक्सोरूम प्राइस 149,999 रुपए कर दिया गया है। और इसकी डिलीवरी की बात करें और डिलीवरी इंडियन मार्केट में बहुत सारे लोग दीवाने हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर के, और वहीं पर बहुत सारे दीवाने हैं इलेक्ट्रिक बाइक का। और वहीं पर हम बात करेंगे ओवन रोर इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में और उनकी डिलीवरी कब से होना स्टार्ट हो जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से वही डिस्कशन करेंगे और पूरा अपडेट हम बताएंगे कि क्या उनका अपडेट होने वाला है। वहीं पर मैं बता दूं ओवन रोर को 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला है गाइस, 40 करोड़ का काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला है। और उन्होंने इसी के चलते उन्होंने कहा है कि अब हम डिलीवरी देना स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल आते थे काफी दिनों से, और ओवन रोर ने काफी दिनों से अपडेट भी नहीं दिया था कि भाई उनका अपडेट आने वाला था, और उन्होंने नहीं दिया और उनकी डिलीवरी के बारे में उन्होंने नहीं बताया। और फाइनली उन्होंने बता दिया कि उनकी डिलीवरी कब से स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पर मैं बता दूं ओवन रोर इलेक्ट्रिक बाइक, ओवन इलेक्ट्रिक की तरफ से आने वाली उनकी नेकेड स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिक बाइक होने वाली है, जो कि काफी बढ़िया और काफी फ्यूचरिस्टिक होने वाली है, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। वहीं पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 230 एनएम का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, जो कि काफी जस्ट सही है क्योंकि स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिक बाइक है, तो ये इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफी सही है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक बाइक के स्पेसिफिकेशन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैटरी के बारे में, तो क्योंकि बैटरी जो है सबसे ज्यादा मेन पार्ट होती है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैटरी की। बैटरी आपको LFP केमिस्ट्री की आपको 4.4 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलती है, जो कि IP67 रेटेड है। IP67 रेटेड मतलब ये वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट आपको होने वाली है, यानी कि आप डस्ट में चलाते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम रहेगी, और आप वाटर में यानी कि पानी में चलाते हैं तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि बैटरी ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का मेन पार्ट होता है, यानी कि इंजन होता है, और वो ही सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। तो वहीं पर LFP केमिस्ट्री की बैटरी आपको 8 से 9 साल तक रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल 2000 से 3000 बार होती है, यानी इसकी चार्जिंग साइकिल है वो आपको 2000 से 3000 बार आपको देखने को मिलती है, जो कि काफी सही है। 8 से 9 साल तक आप इलेक्ट्रिक बाइक को आप चला सकते हैं काफी बढ़िया तरीके से, काफी बढ़िया है। अगर आप 50 से 60 किलोमीटर अगर पर डे चलाते हो तो आपको 8 से 9 साल आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी LFP केमिस्ट्री के साथ में। NFC केमिस्ट्री आपकी बैटरी जो है वो आपको जल्दी चेंज करनी पड़ती है। वहीं पर मैं आपको बता दूं ये बैटरी 4.4 किलोवाट लिथियम आयन बैटरी के साथ में 187 किलोमीटर का आपको आईडीसी रेंज प्रोवाइड कराता है गाइस, 187 किलोमीटर काफी है। पहले इन्होंने 200 किलोमीटर आईडीसी रेंज बताई थी, पर लेकिन इन्होंने रिड्यूस करके बताया कि भाई नहीं, हमारी जो इलेक्ट्रिक बाइक है वो आपको 187 किलोमीटर का आपको आईडीसी रेंज प्रोवाइड कराती है, जो कि काफी सही है। वहीं पर दूसरे नंबर पे बात करते हैं मोटर की, तो मोटर आपको 1000 वाट की आपको मोटर देखने को मिलती है, जो कि 8 किलोवाट की पीक पावर जनरेट करती है, जो कि काफी सही है। वहीं पर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो 0 to 40 जाने में सिर्फ ओनली 3 सेकंड लेती है। गाइस करेंगे टॉप स्पीड की, तो ये मोटर आपको 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपको टॉप स्पीड प्रोवाइड कराती है। गाइस काफी सही स्पीड प्रोवाइड कराती है। और वहीं पर वारंटी की बात करें तो वारंटी आपको 3 साल की बैटरी वारंटी देखने को मिलती है, या आपको 50,000 किलोमीटर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चला लेते हैं तब आपकी वारंटी एक्सपायर हो जाती है। मोटर की वारंटी की बात करें तो यहाँ पर 3 साल वारंटी आपको दे रखी है। वहीं पर सर्विस आपको 3 सर्विस आपको फ्री देखने को मिलती है, बाकी आपको खुद करानी पड़ेगी। वहीं पर हम चार्जिंग स्टेशन की बात करें तो इन्होंने बताया कि 12,000 प्लस वो चार्जिंग स्टेशन लगाने वाले हैं पूरी इंडिया में। इन्होंने ओवन रोर इलेक्ट्रिक बाइक को लॉन्च करने के बाद में छोटे मोटे ये अपडेट देते रहे, जैसे कि उन्होंने 200 किलोमीटर की उन्होंने आईडीसी रेंज बताई थी, फिर उसके बाद में रेंज चेंज कर दी गई, यानी कि आप 187 किलोमीटर की आपको आईडीसी रेंज प्रोवाइड की जाती है। और फिर उसके बाद में इन्होंने जब लॉन्च किया था इस इलेक्ट्रिक बाइक को तो 110,000 के प्राइस पे किया था, पर लेकिन अब जो है एक्सोरूम प्राइस 149,999 रुपए कर दिया गया है। और इसकी डिलीवरी की बात करें और डिलीवरी इन्होंने कहा है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में वो डिलीवरी करने वाले हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली है। डिलीवरी और डिलीवरी को दिखाते हुए उन्होंने कहा कि भाई अब हम जो डिलीवरी है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में देने वाले हैं, यानी कि पहले हफ्ते में आपको इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जो है ओवन रोर की मिल जाएगी गाइस, आपके हाथों में प्रोवाइड की जाएगी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ऑल द वेरी बेस्ट।